365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 24 मई को नई दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से बेरमो उनके गृह जिला आज पहुंचाया गया तथा 26 मई को बेरमो के दामोदर करगली घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धांजलि के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से पूजा की रिपोर्ट। झारखंड वासियों बोले और देश के मजदूर साथियों, सभी जानते हैं कि राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह किस व्यक्तित्व के धनी, उनका सारा जीवन लोगों की सेवा में, खास करके झारखंड के, बिहार के और देश के मजदूरों की सेवा में मिला। वे मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे, उनके हित के लिए। जब वे कोल्ड इंडिया से बात करने जाते थे तो कई बार उनसे बात होती थी हमारे, वो बताते थे कि कैसे वे मजदूरों की लड़ाई, उनके हक के लिए, मजदूरों के हक दिलाने के लिए लड़ते रहते। व्यक्तिगत रूप से मेरी मित्रता से रही, मैं उनको एक सरल व्यक्ति, पार्टी के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में जानता हूँ। झारखंड कांग्रेस के लिए उन्होंने सब कुछ किया जो एक राजनेता को करना है। राज्य के विभाजन के बाद पार्टी कैसे मजबूत बने उनकी चिंता में रहती थी। वो मिलनसार व्यक्ति थे, सभी से उनकी मित्रता रहती थी, हर पार्टी के लोगों से वे मिलकर काम करते थे। कभी भेदभाव राज पार्टी के आधार पर उन्होंने नहीं किया, इसलिए आज कई लोगों का टेलीफोन आता दूसरे पार्टी के लोगों को, तो काफ़ी तारीफ कर रहे थे लोग, करते हैं लोग, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। आज वो नहीं रहे, संध्या कल उनका देहांत हो गया दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में। उनका शव लाया जा रहा है रोड से होकर। उनके पुत्र से मेरी बात हुई, लगभग 8 बजे बेरमो पहुँचे गए और कल उनका दाह संस्कार होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार के सभी सदस्य धैर्य से रहें और उनका जो काम है उसको आगे बढ़ाएं। राजेंद्र बाबू का एक एक गाना खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और उनकी कदम हम सबको काफ़ी खिलेगी। कांग्रेस परिवार आज उनके जाने से काफ़ी दुखी है और मैं उनकी दुखी बातें मिजाज भी याद आती है। जब चुनाव चल रहा था, अभियान चल रहा था, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पार्टी के संबंध में, हमारे परिवार के संबंध में बहुत सारी बातें की रहते थे और किया भी था। उनका जो चरित्र था बहुत मिलनसार थे, लोगों को मददगार थे और खास करके ये मजदूर के एक मुखिया के रूप में जाने जाते थे। आज उनका जाना मैं जितना भी कहूँ कम है, आज उनकी कमी मुझे और पूरे कांग्रेस परिवार को मिलती है। इसमें राष्ट्रीय स्तर के
झारखंड के लिए है और पूर्णिया छत्ती है, पाँच छः या दो पाँच दोनों में खासे लोकप्रिय थे राजेंद्र बाबू, पहले बिहार और बाद में झारखंड, दोनों की राजनीति में उनका अहम किरदार था। जब भी चर्चाएं होंगी एक शख्सियत की, एक नेतृत्व की, राजेंद्र बाबू सदा याद आएंगे। कांग्रेस ही नहीं, इस राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है, मजदूरों की आवाज़ है, और हम जैसे जमीन के कार्यकर्ता को यहाँ तक लाने में, बनाने में इनका योगदान अतुल्य था। हम जो हैं उसमें उनकी अहम भूमिका है। हमने एक अभिभावक पिता को निकाचा और एक सच्चे सेवक को खोया। पूरा कांग्रेस परिवार राजेंद्र बाबू उनके परिवार और समर्थकों के साथ खड़ा है। दुख की इस घड़ी में भगवान सभी संवेदना सहने की शक्ति प्रदान करें।